रहमान रहीम जी, जैसा कि आपका मालूम है मैं हूँ सरवर कंबो अरब सीड कंपनी की तरफ से आप सबके सामने मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अरब सीड कंपनी की कोशिश रही है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च किया जाए जिससे बेहतर से बेहतर फार्मर हजरात को प्रोडक्शन भी मिल सके और प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छा नफ़ा भी मिल सके। अगर मैं मौजूदा बात करूँ तो हम इस फील्ड के अंदर खड़े हुए हैं, यहाँ पर हमारा माशाल्लाह गोल्डन हनी जो गर्मा है वो वैरायटी लगी हुई है। तो मेरे साथ कुछ फार्मर हजरात भी मौजूद हैं, इनसे मैं जानना चाहूँगा इन्होंने ये वैरायटी हमारी फ़र्स्ट टाइम लगाई है। ऑलरेडी इस हमारे इस इलाके में इसके गिर्दोनवा में माशाल्लाह ये काफ़ी वैरायटी लग रही थी, फार्मर हजरात लगा भी रहे थे, लेकिन इनके पास फर्स्ट टाइम लगी है। इनसे मैं जानना चाहूँगा कि इनके पास वैरायटी कई कैसी रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी भजन, तुसी थोड़ा जहा ये आगा कर दो जी वीडियो तुहाडी, माशाल्लाह फार्मर हजरात भी देख रहे हैं, डीलर हजरात भी देख रहे हैं, तुसी सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन करवा दो, तुहाडा नाम की है? मेरा नाम उसामा लशारी। उसामा लशारी साहब, ये इलाका केड़ा? मामा बाला। माशाल्लाह उसामा साहब, तुहाडा बहुत इस इलाके च अल्हम्दुलिल्लाह एक नाम है और माशाल्लाह तुसी जिमीदार भाइयों नू प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करते जे, अपना सीड लगवांदे जे और उस दे नाल नाल तुसी खुद भी कास्ट करते जे। तुसी इस अपना जिहड़ी वैरायटी लगाई है इस वैरायटी दा नाम की है? बिल्कुल, ये आरफ सीड कंपनी दी वैरायटी बहुत अच्छी है, इहदा नाम है गोल्डन हनी गर्मियन मांच है जी। बहुत अच्छी वैरायटी है, फर्स्ट टाइम लगवाई है ते जाती अपने फार्म ते लगाई है फर्स्ट टाइम। तो तुसी आ वेख सकदे हो, सकदा ये तकरीबन 3 एकड़ दा फार्म है ते तुहाडी सामने सूरत हाल है। तो सब तो वही बेनीफिट प्रोडक्ट हर कंपनी के गर्मे भी हर कंपनी का, लेकिन प्रोडक्ट जिमें मैं बेल दे नालू है थोड़ा गर्मा उतारा तो इस तरह खुशबू इस तरह आ रही है जिस तरह किसी बंद ने अतर लगाया होंगे, बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। तो कहता टेस्ट भी किया, बहुत अच्छा टेस्ट है, मिठास बहुत हल है। तो साइज आ थोड़े सामने चेक कर सकते, कम अज कम मेरा ख्याल है 2.5 to 3 kg का एक गर्मा होगा। तो बाकी सूरत हाल है थोड़े सामने वेख सकते हैं, बहुत अच्छी वैरायटी है। तो जिमीदारों को यही कहेंगे, मतलब जो जिमीदार खरबूजा लगाते हैं खरबूजे को छड़ के ते नाल नाल है गर्मा टाइप की वैरायटी है लगवानी चाहिए। सब तो बेनीफिट इनका यह प्रोडक्शन सब तो ज़्यादा होती है, रेट खरबूजे के हिसाब से थोड़ा जहा सरवर भाई कम भी हो, प्रोडक्शन के हिसाब नाल इनकी एवरेज लगाई जाए तो खरबूजे की हिसाब से बहुत ज़्यादा है, तो नफा ही बहुत ज़्यादा है। जो जिमीदार भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, यह जो प्रोडक्ट है तुम देख सकते हैं, मतलब कोई कोई भी किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। आप जिस टाइम को फल बेल के उतारने हैं वो थोड़ा जहा पिलपना या लिपदा है, यह बिल्कुल सख्त है, तुम चेक कर सकते जी, ना इन्ना मतलब ज्यादा सख्त है तो ना नरम है, मिठास के हिसाब न कलर माशाला बहुत अच्छा है, तुम चेक कर सकते जी, खुशबू इन बहुत ज़्यादा आ रही है। चलो माशाल्लाह, अगर मजीद इस वैरायटी से मुतमिन जाए तो तुसे अपने जिम्मेदार भाइयों को नेक्स्ट सीजन वास्ते की पैगाम देना चाहते हैं? नेक्स्ट सीजन वास्ते यही है, फर्स्ट टाइम तो वैरायटी थी सरवर भाई, फर्स्ट टाइम असि लगाई है 3 एकड़ अल्हम्दुलिल्लाह, तुम देख सकते हैं खेत हरा भरा कर रहा है, वो असि तकरीबन 2-3 गड़ियां तू तोड़े ही लिया है, बाकी फलों पर कल तुम्हारी की है जिससे अलावा मतलब फ्रूट होने चुके हैं, कल समझ थी एक रात के अंदर अंदर कलर चेंज हो गया। तो जिम्मेदार भाइयों ने यही कहेंगे आरफ सीड कंपनी की जो वैरायटी है गर्मा गोल्डन हरी ए लगाओ तो बहुत बेनिफिट मिलेगा, साइज भी बहुत अच्छा है, रेट भी अच्छा मिलेगा, तो मिठास भी बहुत अच्छा। शुक्रिया जी, जजाक अल्लाह।